Hello everyone, welcome to my YouTube channel. How are you? I hope you all stay safe. आज का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ईद स्पेशल मेकअप ट्यूटोरियल. मैं मेरी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ टोनर, पिक्सी टोनर. एंड उसको मेरी हाथ की मदद से मैं अच्छे से टोनिंग कर लिया मेरी स्किन को. एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ मॉइस्चराइजर फॉर न्यूटीजन और वाटर बूस्ट मॉइस्चराइजर. अभी समर चल रहा है और समर में पसीना के प्रॉब्लम सबको होता है, इसलिए ट्राई कीजिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. वो क्या है, आपके स्किन की जो स्वेट होता है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं. एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ हुदा ब्यूटी जेली प्राइमर फॉर प्राइमिंग माय स्किन. एंड प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए मेरी स्किन को रेस्ट दिया था. एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन फॉर मेबली सुपरस्टे फाउंडेशन एंड इन दिस सेट 310. एंड मैं इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया. फाउंडेशन मैं नेक एरिया पे भी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि नेक एरिया को बिल्कुल छोड़ना नहीं. एंड नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर फॉर हाइलाइटिंग माय फेस. और कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया है टार्ट कंसीलर. और कंसीलर के जो जगह पे मैंने यूज़ किया है वो कंसीलर को बस वही जगह पे आपको ब्लेंड करना है, उसको ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है. एंड उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ. कंसीलर मैंने यूज़ किया मेरा अंडर आई एरिया, मेरा नोज़ पे, मेरा लोअर लिप्स पे एंड फोरहेड पे. एंड अब मैं मेकअप को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ ट्रांसलेट पाउडर फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. और अभी गर्मी के टाइम मेकअप को सेट करने के लिए उस सेटिंग पाउडर यूज़ कीजिए और उसको अच्छे से सेट कर लीजिए, क्योंकि ये स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेकअप के लिए. तो ये स्टेप थोड़ा ध्यान से कीजिए. एंड मैं अब कर रही हूँ आईब्रो. और आईब्रो को फिल करने के लिए मैंने यूज़ किया है मिस क्लियर की ये आईब्रो किट, जो काफ़ी अच्छा है. और उसके साथ जो ब्रश आता है वो भी बहुत अच्छा है. और उसी ब्रश के साथ मेरा जहाँ जहाँ मेरा गैपिंग है वो जगह मैंने आईब्रो पोमेड अप्लाई किया है. एंड नेक्स्ट मैंने उस ब्लू ब्रश की मदद से उसको अच्छे से कॉम कर रही हूँ ताकि वो नेचुरल फिनिशिंग आ जाए. एंड नेक्स्ट मैं आईब्रो को क्लीन करने के लिए सेम वही कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. और मेरे आई बेस को भी प्रिपेयर करने के लिए मैंने वही कंसीलर यूज़ किया है टार्ट कंसीलर. एंड उसको अच्छे से सेटिंग पाउडर से मैंने सेट कर लिया. और कंसीलर ऑफकोर्स यूज़ कीजिए, क्योंकि कंसीलर यूज़ करेंगे तो आप जो आई शेडो अप्लाई करेंगे, जो आई शेडो की जो कलर होगा ना, वो एकदम खुल के बाहर आएगा. एंड नेक्स्ट मैंने ये एक्जॉटिक फ्लेवर पैलेट से एक स्काई कलर अप्लाई कर रही हूँ मेरी लिड पे. मैं पूरी लिड पे वो स्काई कलर अप्लाई कर रही हूँ. एंड नेक्स्ट मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. और ब्लेंड करने के बाद मैंने एक ब्राउन शेड अप्लाई किया है मेरा क्रीज एरिया पर. और क्रीज एरिया पे मैं ब्राउन कलर को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया. एंड नाउ मैं फिर से वही कलर को अप्लाई कर रही हूँ, स्काई कलर को फिर से मैं क्रीज एरिया पे थोड़ा अप्लाई कर रही हूँ. वो फॉल आउट हुआ था इसलिए मैंने उसको परमानेंट करने के लिए फिर से मैं वो कलर डिपॉजिट किया है. नेक्स्ट टाइम अप्लाई ये स्काई कलर शिमरी शेड फॉर माई आई लिड. एंड नेक्स्ट मैंने मेरा आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए एक वाइट शिमरी शेड अप्लाई किया है. एंड मैंने मेरा इनर कॉर्नर को भी सेम वाइट शिमरी शेड से मैं इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर रही हूँ. एंड नाउ मैं ये फ्लैट ब्रश के मदद से मैं लोअर लेस लाइन पे भी वही कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ. एंड आफ्टर यूजिंग लाइनर मस्कारा आई एम यूजिंग ए कंटूर फॉर कंटूरिंग माय फेस. और मैं ये जो कंटूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी अच्छा है, इसमें बहुत सारा कंटूरिंग शेड मिलता है और उसी के साथ साथ आपको बहुत सारा ब्लशर शेड भी मिल जाएगा. आज मैं यही सेम पैलेट यूज़ करूँगी ब्लशर टाइम पे भी. सो आप अगर कोई ब्लशर और कंटूरिंग सेट लेना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. एंड नाउ आई एम अप्लाई ब्लशर ऑन माई चिक. और मुझे ब्लशर अच्छा लगता है इसलिए मैंने तो बहुत सारा ब्लशर यूज़ करती हूँ. और मैं थोड़ा नोज़ पे भी ब्लशर यूज़ करूँगी और मेरा चिन पे भी मैं थोड़ा ब्लशर यूज़ करूँगी. एंड नेक्स्ट आई एम यूजिंग ए हाईलाइटर फॉर होजो. गाइज बिलीव मी, ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है. आप इसका साइन देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है. और इसमें क्या है ना, गोल्डन शेड भी आपको मिल जाएगा और थोड़ा वाइटेस्ट शेड भी आपको मिल जाएगा. एज यू कैन सी इसका साइन, इसका बहुत ही ग्लैमरस लुक देता है ये हाइलाइटर.
मैं नोज़ पे, चीक बोन पे, चिन पे, अपर लिप्स पे एंड ऑल्सो फोरहेड पे अप्लाई दिस हाईलाइटर। एंड नेक्स्ट आई एम अप्लाई ये डार्क पिंक शेड लिपस्टिक। एंड पूरा मेकअप को फिक्स करने के लिए मैंने यूज़ किया है फिक्सर फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। मैंने मैट फिनिश फिक्सर यूज़ किया है, आप चाहो तो आप कोई भी ड्यूरी फिनिश फिक्सर यूज़ कर सकते हो। एंड सी दिस फाइनल लुक। आज मैंने नया कुछ ट्राई किया, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आज मुझे पूरा आउटफिट के साथ। और अगर मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। बाय बाय।